हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपको यहाँ कुछ उपाय बताऊंगा जिससे आपके आरओ में नंबर बढ़ जाएंगे। इससे उन लोगों को ज़्यादा फायदा होगा जो 5-10 नंबर से हमेशा रह जाते हैं, यूपीपीएससी की परीक्षा कोई भी हो उसमें। हालांकि पुराने लोगों को तो फायदा होगा ही, नए लोगों को तो फायदा होगा ही होगा, क्योंकि यूपीपीएससी की परीक्षा में आईएएस पीसीएस की तैयारी करने वाले लोग भी बैठते हैं, चाहे वो आरओ हो या लोअर पीसीएस हो। तो वो किस प्रकार से पढ़ते हैं, क्योंकि उनकी हैबिट बहुत ज़्यादा हो जाती है पढ़ने की, लेकिन वो सटीक पढ़ते हैं। तो वो सटीक है क्या, इसको आज हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले आप घटना चक्र पूरी तरह से पढ़ लें, बहुत ही अच्छे ढंग से। 7-8 घटना चक्र आती हैं उन्हें बहुत ढंग से, जो मैंने अपने पुराने वीडियो में भी बताया था। दूसरा, पीसीएस प्री और मेंस के पुराने पेपर ले लें, सिल्पी के आते हैं, लगभग 15 साल के पेपर होते हैं, उन्हें बहुत अच्छे ढंग से कवर कर लें। तीसरा, 1 साल के अंदर जो भी यूपीपीएससी के एग्जाम हुए हैं, चाहे वो पीसीएस मेंस प्री के हों, लोअर प्री मेंस के हों, चाहे पीसीएस जे प्री या मेंस, कोई भी एग्जाम हो, चाहे अदर एग्जाम भी होते हैं वो, और 2 साल के आरओ के पेपर, इन्हें आप अच्छे ढंग से, बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ लें। आपको लगभग 40 क्वेश्चन 1 साल के अंदर जो भी पेपर बना रहे हैं यूपीपीएससी, वहाँ से मिल जाएंगे। तो आप इनका ध्यान रखें, अच्छे से कवर कर लें, आपका नाम मेरिट में ज़रूर आ जाएगा। इस परीक्षा के लिए यदि आपने 20 दिन अच्छे से पढ़ लिया तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। आप अपनी पूरी दम लगा दीजिए इन 20 दिनों में। इसमें आपको प्री पास करना करके मेंस देना है, बस इंटरव्यू है नहीं है। आप इतना कर लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको नौकरी ना मिले। यही सोचकर तैयारी करें, आपका जरूर होगा। आप मुझे सुनते रहें, सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद। आज मेरा वैसे एक वीडियो और आएगा जिसमें मैं करंट के बारे में आपको बताऊंगा, और करंट के कुछ क्वेश्चन भी उसमें होंगे, जो मेन मेन जो आ सकते हैं। धन्यवाद।